सुबह हो चुका है और ये लोग उठ चुके हैं, मंगल अभी भी सो रहा है। आज हमारे लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है, वही रूखा सूखा दिन, वही सब कुछ रूखा सूखा। मेरे लिए तो बहुत स्पेशल दिन है। हाँ, क्योंकि आज पूजा का बॉयफ्रेंड आने वाला है, मैं अपने जानू वीडियो में, उसके लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट है मुझे और आई एम श्योर कि आपको भी बहुत ज्यादा होगा। मैं पूजा जलन हो रहा है इसको बहुत मेरे प्यार से। तुमको लग कैसा रहा है आज तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलने वाली है? बेचारी सोच रही थी कि इसको कोई मिल जाए, नहीं मिला। पूजा आज अपने वैलेंटाइन से मिलने वाली है। देखो, इतने दिनों बाद पब्लिक भी देख लेगी। जलनखोरी में भाग गई, देखो। पूजा का वैलेंटाइन, उफ। शिवम जा रहा है लेने के लिए। इसका मैं रख देवा। मिल गया ना? शिवम गया था जिस रास्ते से, उसी रास्ते से वापस आ गया। ये इतना सारा बेरा, ये लड़की टूट पड़ी इसके पीछे। पूजा दी, अपना कप लेके जाओ, पहले वापस आओ। कप लेके जाओ अपना, छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ देखो वहीं कप छोड़ के चली जाती है ये। हाँ, तुम ही अच्छा। तुम कोई और, किसी और को नहीं बोल रहे, तुम ही हो यहाँ पे। शिवम, आज पूजा ने झूठ का हर हद पार कर दिया। हम ब्लॉग में दिखाएंगे, तुमको छोड़ दो। कह रही है कि मेरे हाथ से कभी कप छूटा ही नहीं है। हम अपना मग्गा अपने साथ लेके जाते हैं, कहीं नहीं छोड़ते हैं। आज जगह छोड़ती है। आज तो झूठ का हाथ पार कर दिया ना। ठीक है, बता देना ना किसी भी। हाँ, ठीक है। तो अभी पूजा गई है कमरे के अंदर तैयार होने के लिए, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बस आने ही वाला है। तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और गिन्नी भी सोच रही है कि ये पहनेगी क्या, कि क्योंकि पहली बार मिलेगी ना, तो भाई साहब वो वाला फीलिंग है, एकदम नर्वसनेस पूरा भर भर के है। मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि बाप रे क्या होने वाला है। और आप लोगों को भी तो नहीं पता था आज से पहले, आज पता चल रहा है। तो बस इंतज़ार करो थोड़ा, बस आपको दिखने वाला है अब। चलो अभी मुड़ जाओ भाई। तो अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली मिलने के लिए। और देख सकते हो पूजा जो कितना तैयार हुई है भाई, एक ही कलर में सैंडल, एक ही कलर में ये, एक ही कलर में वो, क्योंकि मैं अपने जानू से मिलने जा रही हूँ। अरे बस भाई बस। जो इतना बड़ा बड़ा फेंकती थी उसका हाल देखो आज क्या हो रहा है, देखते हैं क्या। प्यारे की दीवानी। हे भगवान, आज मैंने टॉप अंदर का ये बटन, जब रिया जी आएंगे, मतलब थोड़ा स्टाइल अभी इसलिए नहीं दिखा रही, घर पे है क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा स्पेशल नहीं है। ये पूजा के लिए स्पेशल है ना, मेरे लिए क्या है, मैं तो वही हूँ जो उनके सामने, इनके सामने। खराब करोगे, लड़का भागा ना मेरे हाथ से तो तुम देख लेना। नहीं नहीं, कोई नहीं भागेगा, क्रेडिट जाएगा। नहीं नहीं, पक्का नहीं ऐसा होगा। चलो मंगल आ जाओ। तो अभी फोन आ गया, अब हमको जाना है, मतलब अब निकलना ही है, बस 2 मिनट के अंदर हम लोग को निकलना पड़ेगा। चलो चलो, फोन आ गया। हाँ, ये लोग नहीं मिलेंगे ना पूजा के दिन का। हाँ, मंगल नहीं मिलेगा ना। मंगल को ड्राइवर कह के मिलवा देंगे। हाफ पैंट में है ना, क्योंकि मंगल हाफ पैंट में है तो बोल देंगे ड्राइवर है। हाँ वही तो, क्या मौका, मतलब मिलता किस चीज का, मिलने का। मंगल बोतल भी लेके आए, अमेरिका रिटर्न है। मंगल अरे छोड़ो ना, अभी बुलाओ ना उनको, यहीं पे बैठा के घास छिलवाएंगे उनसे। तो मंगल को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मंगल को मैंने उठाया और मंगल को बोल दिया कि चुपचाप तुमको चलना है, तो जो भी होने वाला है उसका आइडिया मंगल को नहीं है। यार ये कोलिन ऐसे यूज कर रहा है जैसे पानी, कब से किए जा रहा है, बोल रहा हूँ कि लेट हो रहा है, तो इसको समझ ही नहीं आ रहा है। शेशे डिब्बा लाते तुम्हारे मुंह साफ करने के लिए, लो रख क्या। पागल है क्या? जा रख क्या, कहाँ रखूँ, कैच पकड़ने में बहुत महारत ही हासिल की है। चलो चलो चलो, अंदर वाला जब हाथ मेरा कैमरा होता तुम बस मैं कैमरा देखता हूँ, कुछ नहीं देखता। गाड़ी वाला उधर, यहाँ पे पूजा फोटो ले रही है और गिन्नी हमारे किसी सब्सक्राइबर नहीं है, गुलाब का फूल भेजा था वही दिखा रही है। देखा तो नहीं है ना ये फूल। पूजा ने वीडियो में देखा तो नहीं है ना। नहीं तो पूजा का बेइज्जती हो जाएगा, हमारे सब्सक्राइबर का दिया हुआ तोहफा वो किसी और को देगी। चलो। वाह वाह वाह, चलिए अब निकलते हैं। अरे कॉलिन जो मंगल ने फेंका था वो अपने हाथ से ही उठा रहा है। क्या बोल रही हो? मैं कह रही हूँ उनको जो पहनाओगी वो वाला रिंग डाल लो ना, इसमें
चलो। बाप रे गिन्नी का देख रही हो, गिन्नी तुम का स्टाइल मार के जा रही हो भाई, तुमको क्या काम है? Because I am Sally. चलो गेट खोल, गेट खोल, गेट खोल। कहाँ है? चलो अब निकलते हैं। चलो तो अब हम लोग निकल चुके हैं फाइनली। अब हमको पता नहीं है एग्जैक्टली कहाँ पे हैं वो। पूजा बताएगी कहाँ पे हैं, बल्कि उनको खुद ही पक्का ना। चलो कुछ कुछ खरीदना है मुझे गिफ्ट। पूजा को गिफ्ट खरीदना है, देखते हैं कि गिफ्ट में क्या होता है। चॉकलेट तो नहीं खरीदना है तुमको? चॉकलेट खरीदना है। पब्लिक गुस्सा मत होना, यहाँ पे कोई जगह है क्या यार? और क्या मिलेगा? चॉकलेट ही मिल सकता है। नहीं यहाँ यार रोड पे मिलेंगे। रोड पे मिले ना, सड़क पे। तो सड़क छाप और क्या, हम लोग सड़क पे मिलेंगे और क्या? सड़क छाप उसमें दिक्कत क्या है? कोई प्रॉब्लम थोड़ी है क्या? घर पे बुला ले क्या? सड़क पे मिलेंगे। और पूजा तुम्हारा शादी यहीं पे, रोड मैरिज होगा। राइट राइट बोलो, राइट लो। हाँ कोर्ट मैरिज नहीं, रोड मैरिज। चलो उधर साइड से नहीं आएंगे भाई, चॉकलेट लेने चलना है ना। अभी तो हम लोग को चॉकलेट लेने जाना है। चॉकलेट लेंगे उसके बाद, हाँ वो जो दुकान है ना उसमें चलो, बहुत सारा चॉकलेट लेंगे। जा रहा हूँ मैं चॉकलेट लाने के लिए। चॉकलेट ले लिया है, अब जा रहे हैं वापस से गाड़ी में। तो अभी इतना सारा चॉकलेट आ चुका है, अब कम ही था चॉकलेट, इनके पास ज्यादा वैरायटी नहीं था, तो मैंने बस यही लिया, जो मिला मैंने बस वही लिया। प्लीज सब मेरे का फेवरेट है, कोई बात नहीं। नहीं ये नहीं, ये ले लेती हूं मैं। ले लो। कौन सा लोगी? ये वाला ले लो, ये एक ही पीस था उनके पास। तो अब जो है हम लोग को जाना है डायरेक्टली उनसे मिलने के लिए। जगह क्या है वो पता नहीं है, लेकिन अब जाना तो है। चलो पूजा फोन करो और पूछो कहाँ आना है। हम लोग ना लगभग 15-20 मिनट से घूम रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है कि वो बंदा है कहाँ पे। समझ ही नहीं आ रहा हम लोगों को, लग रहा है कि हम लोग बेवकूफ बन गए आज। चलो आ गए, आ गए। ये कब से किए जा रही है पूजा? तुम्हारे फोन में ये जो लाइव लोकेशन है ये कहीं गलत ना हो जाए? ना ना ठीक है, दिखाओ तो एक बार लोकेशन। लोकेशन मत देखो भैया, हम लोग परेशान हो चुके हैं, पब्लिक भी अभी तक इंतजार कर करके परेशान हो गई। चेहरा देखने के लिए मैं भी बेताब हो रहा हूँ भाई। पता नहीं है कि वो कब आएंगे, इसलिए चॉकलेट मैं ही खा ले रहा हूँ। पागल जैसे गाड़ी चला रहा है। अरे भाई पागल हो क्या तुम यार? वो भी फ्रस्ट्रेट हो गया पूजा जी, समझा करो। चलो वहाँ चलो भाई। तो फाइनली हम लोग उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हम मिलने वाले हैं उनसे। कार से आ रहे ना? मुझे नहीं पता किस चीज से आ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आओ पूजा का देखो। अरे बाप रे बाप, ये है कहाँ है वो? पूजा तुम 10 रुपए वाला डायरी मिल लेके आ रही हो? देखते हैं क्या होता है। जल्दी आओ जल्दी, जल्दी आओ जल्दी कह रही है। रिंग कहाँ गया? इसके अंदर कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ तो खाली है। मंगल यार तोड़ दिया इसको। ले यार ये ना बहुत ही घटिया इंसान है। गलत बात, सब्सक्राइबर ने भेजा था वो। कोई बात नहीं, इसका आ रहे हैं, काम कर दिए इसका। नहीं नहीं तो एकदम असली गुलाब बन गया। चलो चलो, तो जब तक आ रहे हैं तो गाड़ी में ही बैठ जाओ तुम। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कब से, काफी देर हो चुका है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इंतजार तो करना पड़ेगा। पानी भी पीने लग गए, पानी भी पीने लग गया। पूजा खाना भी खाने लग जाएगी अभी, और जितना चॉकलेट बचा है वो मैं खा जाऊंगा। चलो भाई चलो चलो, लोकेशन चेंज हो चुका है, पता नहीं अब हमको कहाँ जाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पूजा क्या कर रही है कब से, एकदम दिमाग खराब हो गया यार, धूप में खड़ा हो के इंतजार कर करके। चलो हम लोग बेवकूफ़ बन गए यार, समझ ही नहीं आ रहा है। चलो अब घर चलो, चलो अब कौन से लोकेशन में चलना है? घर पे है क्या? घर जाना है क्या कह रही? घर जाना है, पागल हो क्या? घर में पूछा हुआ है भाई, उसको एड्रेस समझ में नहीं आ रहा था। अरे तो हम लोग पागल है क्या यहाँ पे, कब से जो बैठे खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं? सारा प्लान खुश होता है, क्यों आए हो तुम लोग? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है सच में यार। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अभी पता नहीं यहीं पे आना था, अभी वहाँ जाना था, चॉकलेट लिया, ये वो। नहीं समझ में आ रहा है ना लोकेशन कहाँ के हैं वो, बोल चल बोल नहीं पाते हैं क्या, कि चल पाते हैं बोल नहीं पाते हैं? बोल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, सच में बोल नहीं पाते। हे भगवान, मजाक कर रही है। नहीं मुझे लग ही रहा है, क्योंकि कॉल पे समझ सकती हूँ उनकी बातें, तुम नहीं समझ पाओगे। मतलब बोल नहीं पाते, भाषा नहीं बोल पाते, मतलब बोल नहीं पाते, तुम्हारी भाषा नहीं बोलते, मतलब इंसानी भाषा नहीं बोल पाते। हाँ, उनका लैंग्वेज दूसरा है। अच्छा हाइट कितना है उनका? हिंदी भी बात कर लेगी उनसे लगता है। इंग्लिश बोलते हैं, बोल दो ना साफ साफ। क्या गधा आदमी होगा, हमको तो ऐसा लग रहा है।
बोर कर दिया पूरा। चलो सीधे समझ में नहीं आते अब, हाइट वाइट के चक्कर मत रहो। हाइट कितना है उनका, कद तो बताओ, 4 फीट के हैं कि नहीं? बौने बहुत अच्छे हैं, बौने है ना, मुझे भी लग रहा है कि बौने ही है। अब मुझे लग रहा है कि 1 फीट से भी कम के होंगे वो। क्या सही बोल रहा हूँ ना? कुछ भी हो, उसके सिर का बाल उड़ा हुआ होना चाहिए। नहीं तो मजाक उड़ाने में नहीं बनेगा, मजाक उड़ाने में नहीं, बाल है उसके पूरे शरीर में। लेट्स सी, कब से तो हम लोग बेवकूफ बने जा रहे हैं इधर उधर घूम के। जुल्फों के मामले में तुमको और शिवम को बहुत टक्कर दे सकता है वो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ जो कब से इसके बोलने में आ चुका हूँ यार, आया हुआ हूँ। आज वैलेंटाइन डे है और इसलिए पूजा को मिलना है अपने वैलेंटाइन से, जो मुझे अनकंडीशनल लव करता है। वो अनकंडीशनली लव करता है, प्यार दुनिया में सबसे अनोखा और पवित्र प्यार है, जो मेरा बहुत ख्याल रखता है, जो मुझे दिलो जान से प्यार करता है, जो मेरी एक आहट पे दौरा चलाता है। बस करो यार, इधर सिंगल लोग भी बैठे हैं। मैं खुद, बाप रे बाप, मैं खुद वैलेंटाइन वाला वीडियो डाल लेके मुझे कोई नसीब हूँ मैं, जो मुझे उसका प्यार नसीब हुआ, समझे? जब से मेरी जिंदगी में आया है, मेरा नींद चैन सुकून सब खो गया है। सच में आज मैं उसको दिल खोल के बताऊंगी कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। ना ना, आज फिर से बोलो, मैं उसको दिल खोल के बताऊंगी। बोलो, मैं आज उसको दिल खोल के बताऊंगी कि मैं कितना पाती हूँ। चल, मेरा रोमांटिक मूड खराब मत करो, ठीक है ना? चल जा, मूड तो हम लोग का खराब कर दिया तुमने एक सुबह से घुमा घुमा के। सच में हम लोग कब से इधर उधर घूमने जा रहे हैं और दिमाग खराब हो रहा है। अब देखते हैं कि अब एटलीस्ट मिल पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि अभी भी मिल पाएंगे। लग रहा है कि बेवकूफी बना रही है, घर पे इंतजार कर रहा है। हम लोग इधर घूम रहे हैं, वो बंदा घर पे इंतजार कर रहा है। अगर वो बंदा घर पे नहीं मिला ना, मिलेगा तो देख लेना। चलो, बड़ा सा ईंट उठा के तुम्हारे सिर पे छोड़ दूंगा मैं। तो अब घर पहुंच रहे हैं और एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। मत मिले ना खाली। मंगल एकदम मिलना चाह रहा है, मंगल भी एकदम उत्सुक हो रहा है, बेचैन हो रहा है अंदर से कि है, आया है कि नहीं आया है पता नहीं। ये तो मत बोलो मंगल कि मत मिले ना खाली, अब तुमको पसंद नहीं आएगा वो अलग बात है। चलो चलो, अब ड्रामा नहीं, अब सीधा घर चलते हैं और मिलते हैं। तो फाइनली आ चुके हैं हम लोग, अब आपको नजर आएंगे वो। पूजा, चुप क्यों रही हो? काटे नहीं कटते दिन ये रात। बस भाई बस, कहाँ गया? कहाँ गया बंदा? लो आज मैं कहती हूँ। पूजा का ऐसा रूप पब्लिक ने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। आओ चलो, मगर मिल लिए तुम? मिलवाती हूँ। तुम मिल लिए? पता नहीं क्या चल रहा है भाई, मैं सुबह से कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग नहीं चल रहा है मेरा। मेरे प्रिय जाने मन को पेश किया जाए। आज मैं आपसे पहले ही माफी मांग ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं था कि ये होने वाला है। पूजा को उससे प्यार हो जाएगा, किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि ये हो जाएगा। आपने सीरियसली भी नहीं सोचा होगा। मैं उधर गया, हम लोग गाड़ी से इधर गए ढूंढने के लिए, जिसे ढूंढा गलियों में बगिया में वो मिली घर की खटिया में, ये वाला हाल है। तो अब जो है आपके सामने, तो जो है अब आपके सामने पेश हो रहा है पूजा का वैलेंटाइन। जब से मेरी जिंदगी में आया है, मेरा नींद चैन सब मैंने गंवाया है, मेरे रातों का सुकून छिन गया है, मेरे दिल का चैन छिन गया है, मुझे उससे प्यार हो गया है, जब से दिल बेकरार हो गया है। बताओ ना भाई, क्या ओवर एक्टिंग की जा रही हो कब से? वाह, ये भी राइम कर गया। ये भी राइम कर गया कब से? दिमाग खराब हुआ है भाई, चाय नहीं पी हम सुबह उठ के। रुको एक मिनट, रुको, मुझे भी बोलने दो। तुम्हारा नींद चैन सब खत्म हो गया ना, कॉफी पी पाती है ढंग से, ना चाय पी पाती है, ना खाना खाती है, ना उठ सो पाती है ढंग से, उसकी वजह से है ना। तो पूरी दुनिया मुझसे सवाल पूछती है कि तुम इतना लेट क्यों उठती हो, उसके पीछे राग वही है, वही रहस्य है इसके पीछे का। चलो तो पब्लिक, मैं आपसे पहले ही माफी मांग ले रहा हूँ, ठीक है? अब आपके सामने पेश हो रहा है दीवान एंड ओनली दिल का सहजादा। न जाने क्यों तुम मुझसे भर के रहते हो, हमेशा तुम मुझे क्यों इतनी नफरत से देखते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज प्लीज तुम मेरा प्यार स्वीकार कर लो, और आज के बाद झगड़ा और नफरत का ये दिन हमारे जिंदगी में कभी नहीं आना चाहिए, कभी नहीं। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी,
तुम्हारा ये जो निस्वार्थ प्रेम है जो मुझ पे रोज टूट के बरसता है, आज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरा वैलेंटाइन बन जाओ। आज के बाद तुम मेरा ये प्यार स्वीकार कर लो। I love you. पूरा गेम क्या यार पूजा, छोड़ दे ना, क्या रे भागो मत पूजा, कुछ नहीं करेगा वो, प्लीज पास साथ में ही रहो। अरे पकड़ी हुई है वो, चुप रहो तुम, बोलो मत पूजा, बोलोगी तो भड़केगा। ये क्या हो गया, कब से पूरे पब्लिक को तुमने बेवकूफ बना दिया है। देंगे ना, देंगे, रुको, अरे बोल रहे, कब से पूरी दुनिया को बेवकूफ बना के रखी है ये लड़की। रुक जा, ये मेरे प्यार के लिए उस पे झपट। पांडा बैठो, पहले बैठो, चुपचाप बैठो। तो मतलब पूजा तुमको समझ में आ रहा है, आज से मेरा और पांडा का रिश्ता पक्का। हल्दू का काम के लिए इतना समय जाया करवा ये लड़की सुबह से। अरे इतना स्पेशल है, काम है ये। अच्छा पूजा, बस बस खड़ी हो, लेके खड़ी हो, आज खड़ी हो, उठिए 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 उठिए। तो भाई पूजा ने एकदम गलत किया आज। क्या गलत किया, तुम सब चाह रहे थे कि मैं पांडा को प्यार करूं। पंडित जी को बुला दे, हम शादी करवा दे, ये लगले लगले चल हट। पांडा देखो तुमसे। अच्छा उस टाइम मैंने बोला था ना कि वो बोल पाते हैं या नहीं, तो पूजा ने बोला था ना कि बोल पाते हैं लेकिन इंसानी भाषा नहीं बोलते हैं। ऐसी निकम्मी लड़की को हम अपना बेटा कभी नहीं सौंपेंगे। और पूजा ने जैसा बोला था कि बेटा ने मुझे खुद स्वीकार किया है 24 घंटे देख देख कर, देखो तो। और उस पूजा ने जैसा बोला था कि उसके शरीर में बहुत बाल है, वो भी सही बोला था। देखो यहाँ पे ना ऑलमोस्ट गिन्नी और मुझे पूजा सबको ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा पता था, पूजा का प्लान है ये और मुझे गिन्नी को थोड़ा थोड़ा पता था, पूरा नहीं पता था। पब्लिक ने मुझे चैलेंज दिया था, ठीक है, मेरे मंगल को एकदम नहीं पता था पूरा मंगल। चलो भाई खेल लो अपने वैलेंटाइन के साथ। देख, छोड़ देना गिन्नी यार, बहुत इरिटेट किया यार, मेरे सिर में दर्द हो गया है पता है तुमको। हम चाय नहीं पिए सुबह उठने के बाद। ये आज बात तू मुझे नहीं काटोगे ना, फालतू इतना सजी थी। चल पागल, छोड़ ले ना पांडा। चल पूजा देखते हैं आज क्या होता है, चलो तो देखते हैं पूजा का वैलेंटाइन, आज पूजा की बात सुनता है या नहीं। चल पांडा पूजा को दौड़ा दे तो आज। चल पांडा पूजा को दौड़ा दे, पति बन गया है जी, ये हील पे एकदम वो करेगा। वाह बोल कर दिया। पब्लिक भी बहुत चाहती थी कि पांडा जो है अब पूजा से पीटे ना, तो अब फाइनली वो दिन आ चुका है कि पूजा पांडा से पीटेगी नहीं। नहीं ना पांडा मुझे काटेगा ना, मतलब पांडा पूजा से पीटेगा नहीं। चलिए बाय, चलो बस हो गया तुम लोग का। पांडा बहुत ही कितना होना था, हो गया। कैसा लगा मेरा लव प्रपोजल जरूर बताना, ठीक है। हमको मुझे किसी ने कहा था कि तुमको दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता है, आज मैंने उसको दिखाया, देखो मुझसे प्यार करने वाला है, बहुत प्यार करता है, ठीक है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। धोखेबाज लोग, चलो ओवर एक्टिंग की दुकान है। एक साल से वेट कर रहा था ये मेरे लिए, ठीक है ना। अरे एक साल से क्या वेट कर रहा था, सुबह से उठा घुमा रही हो कब से तुम लोगों को, मेरा ये सरप्राइज कैसे लगा, पता नहीं क्या ड्रामा है, कैसा लगा तुम लोगों को मेरा सरप्राइज। तुम लोग ने मंगल से पूछो, मुझे तो पता ही था। चलो चल बता दो। हाँ तो तुमको पहले तो नहीं पता था ना, बताया तुम्हें ने ना। चलो बेटा। वाह पांडा, पांडा का भी दो मिनट के लिए इज्जत हुआ। नहीं कि भाई आखिर बात क्या है, रीजन क्या है। अरे तो मारा तो नहीं ना मैंने, मारा लेकिन बस दो ही मिनट के लिए इज्जत हुआ बेचारे का। धीरे धीरे अब अचानक से बहुत सारा प्यार मिल जाएगा तो पचा नहीं पाएगा वो, ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इज्जत दे रही हो। फोटो खिंचवाना है, मैचिंग का टी शर्ट पहना के ले आओ। चलो भाई बहुत मजा आया, मैं बोली कि तैयार कर दो मेरे पांडा को, तो इसने नहीं, देखो कैसा तैयार किया है बेचारा, तैयार हुआ ये बुड्ढे पांडा। अब देख रहा है कि ले मेरा टी शर्ट छिन गया, एक ही तो टी शर्ट मिला था वो भी छिन गया इससे। इसको सभी, ये अपनी अम्मा का सारा टी शर्ट ले लेता है, मतलब मेरा। चलिए मजा आया, टाटा बाय बाय नमस्ते, बस हो गया, रहने दो। मंगल पूरा भड़क चुका है, अब मैं आपको बताऊंगा। तो ये था पूजा का वैलेंटाइन, तो अभी सब कुछ हो चुका है,
अभी जा रहे हैं नहाने के लिए, अभी तक नहाए भी नहीं है, तो नहाने जा रहे हैं, उसके बाद नहाने के बाद मिलते हैं। तो महान एक्टर घर से बाहर निकल के आ चुकी हैं। आप लोगों ने इनका वैलेंटाइन देखा ही होगा, आज का कैसा रहा, बड़ा ही ज़बरदस्त। इधर उधर पहले हम लोग घूमे, अंत में आके घर में ही था जो भी था। वैसे मुझे पता था ये चीज़, बाकी लोगों को कम पता था। तो अभी अभी कोई कुरियर आया है वापस से, कोई गिफ्ट है शायद इसके अंदर। आज पहली बार किसी पैकेट पे मंगल का नाम लिखा हुआ है। ये कुरियर जो है गिन्नी के हाथों से खुलवा के देखते हैं, क्या पता इसमें कुछ अच्छा निकल जाए, क्योंकि इसका हाथ जो है आजकल बहुत महंगा महंगा सामान लग रहा है। खुद खींचो ना ऐसे यार, कैंची से लेके फाड़ो ना, ऐसे हाथ कट जाएगा भाई, ऐसे नहीं टूटेगा, मत करो। हाथ कट जाएगा, अच्छे से खोलो। वाह यार, इसके अंदर कितना खूबसूरत सा है। ये राधा कृष्ण का है ना, ये वाला लक्ष्मी गणेश जी। वाह, और ये है राधा कृष्ण का, पकड़ो। और ये किसके लिए है? मंगल के लिए। इसमें क्या लिखा है? फॉर मंगल, फॉर मंगल, फॉर गिन्नी। अच्छा, ये गिन्नी के लिए, बिकॉज शी ऑलवेज स्टार्ट पूजा ब्लॉग विद जय श्री श्याम। नॉलेज सब सच्ची जी का मेरे लिए नॉलेज। अच्छा, अच्छा। और मेरे लिए खाक कुछ नहीं। बाप रे बाप, मेरे लिए भी है शायद कुछ तो। इतना फॉर शिवम, रुको रुको रुको, पकड़ो। बिकॉज ही ऑलवेज मेक माय डे कंप्लीटली हैप्पी विद हिज डेली व्लॉग्स एंड प्रैंक्स। मैं हाथ से लिख के भेजे हैं, अपने हाथों से लिखा है। क्या है, क्या है जो लिखा है जय श्री श्याम? सीरियसली, ये बहुत ही खूबसूरत तोहफा है। और ये भेजा किसने है? ये प्यार बहुत जिन जिनने भेजा उनका नाम क्या है? हाँ। वो भाई देख रहे हो लालच। उनका नाम नहीं पढ़ा लेटर में, देखो क्या है, उनका नाम लिखा होगा। बाप रे बाप, जाकिर हुसैन, दिल जीत लिया आपने। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हर इंसान वैसा नहीं होता है जैसा लोग सोचते हैं। मतलब एक मुस्लिम हमको ये हमारे देवी देवताओं का चीज गिफ्ट भेज रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सही में थैंक यू सो मच, आपने दिल जीत लिया कसम से। और जो भी भेजा है सबके साथ कैरेक्टर जो रहा है, मुझे दिया है नॉलेज के लिए ये, शिवम गिन्नी को दिया है कृष्ण जी, और लिखा भी है कि आप कृष्ण की भक्त हैं इसलिए कृष्ण जी। मंगल को ये लक्ष्मी गणेश जी दिया, और शिवम को तो एकदम मंगल करने वाले गणेश जी दिया है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत बहुत इतना प्यारा चीज भेजा है, मैं कुछ कह नहीं सकती। आज ना बस हमारा घूमना घूमना हुआ है, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है। भाई साहब पागल हो क्या? अभी हम तो चेक कर रहे थे कि ये वाला कल का ठीक है कि नहीं। हम चेक कर रहे थे, अगर टांग पकड़ के ऐसे खींच दिया ना तुम्हारा, तो बोल देंगे कि हम भी चेक कर रहे थे। फिर गिन्नी बोलेगी हम चेक कर रहे थे। अभी हम करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम जैसे ही मतलब ये ना अंगूठा मेरा डैमेज है, और इसको ना हम छू के देखने वाले थे कि अभी कहाँ से दर्द हो रहा है, कहाँ से नहीं। अगर अभी वो तो हो जाता अभी और ज्यादा लग जाता। अरे ना 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 ना, हम तो देख रहे हैं, हम तो करके चेक कर रहे हैं बस, खाली चेक कर लेंगे। देखो हम चेक कर लो, 1.5 किलो मिट्टी डाल के चेक कर लो। तो हम प्यार में डूबे हुए हैं अभी, हटो। बस भाई तुम्हारा ड्रामा खत्म हो चुका है पूजा, तुम्हारा वक्त आ गया अब। नहीं है मुझे ये बताओ, मुझे खुश रहने का हक है कि नहीं? नहीं है। तुम जैसे किचड़ और कंजूस आदमी को बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये क्यों बोल रही हो? क्योंकि ये हर चीज में लिखापना करती है, हर एक चीज में, किसी के साथ तमीज में बैठेगी नहीं उसमें भी ना करेगी, किसी से तमीज से बात नहीं करेगी उसमें भी वो करेगी, ना खाना बनाएगी ना काम करेगी, बस पड़ी रहेगी, खाएगी बस सोई रहेगी। अगर खाने का सिस्टम ना हो तो ये लड़की खाने का भी कष्ट ना करे। सही बात है, अगर पेट जैसा कोई चीज ना हो शरीर में तो। हाँ, खाने से याद आया, हमने डोसा चैलेंज किया था, और वो वाला वीडियो पहले ही डल चुका है। उस वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके देख लेना। तो जितने भी लोगों को आज बुरा लगा आज के वीडियो से कि पूजा का वैलेंटाइन ये है, लोगों ने सोचा कुछ और हो और हो कुछ और गया हो, मुझे पता है ऐसा ही हुआ है, लेकिन आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि जो था वही दिखाया है, उसके अलावा और कुछ नहीं है और कोई नहीं है, समझ रहे हो? तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, आज कमेंट चाहिए ही चाहिए, चाहे अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, कमेंट करके बताना, ठीक है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। इस वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।